हे गाइस, आज हम लोग निकले हैं बैंगलोर के पास। एक नई लोकेशन पता चली है, जैसे लोग अपने नॉर्थ में लद्दाख ट्रिप के लिए जाते हैं, राइट। तो बैंगलोर वाले बहुत लद्दाख को मिस कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक छोटा लद्दाख डिस्कवर किया है। व्हाइटफील्ड से अराउंड 57 किलोमीटर है, ये चेन्नई रोड है, इस पे एक घंटे की ड्राइव है और रोड बहुत अच्छी है, सीनिक है। मैंने कुछ वीडियोस देखे, इसमें लोग काफ़ी अच्छा बता रहे हैं इस लोकेशन को। इस पर सनसेट और सनराइज़ बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग अभी शाम में करीब 4:30 बजे निकले और अभी 5:15 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। देखते हैं कैसा है व्यू वहाँ पे। बाकी रोड बहुत सीनिक है, मैं रोड का व्यू दिखाता हूँ। गाइस ये आ चुका है, ये छोटा लद्दाख की एंट्री पॉइंट है मेन हाईवे से। आगे जाके अगर आप बैंगलोर साइड से आ रहे हो तो आपको आगे जाके एक यूटर लेना होता है और फिर ये लेफ्ट साइड से एक रोड अंदर जा रही है। यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर है छोटा लद्दाख और ये थोड़ा गांव एरिया दिख रहा है मुझे। गाइज ये छोटा लद्दाख की रोड पे हम लोग एंटर कर गए हैं। मेन हाईवे से लेफ्ट यू टर्न लेके लेफ्ट अंदर लिया है, फिर वहाँ से एक थोड़ा गांव एरिया है जहाँ पे अंदर अच्छी लोकेशन ढूंढी है इन लोगों ने। फोटोज और वीडियोस में तो एक काइंड ऑफ एक छोटी लेक दिख रही है जो थोड़ा डेप्थ में है और नीचे जाने का भी शायद रास्ता है उसमें। गांव वाले मिले हुए यहाँ पे, वो कह रहे थे कि इसको ब्लू वाटर वो लोग बोल रहे हैं इस एरिया को, और कह रहे हैं कि रास्ता बहुत अच्छा नहीं है जैसा कि दिख रहा है। रोड यहाँ कुछ बनी नहीं है अभी, तो कह रहे थे थोड़ा डेंजर है आराम से जाना। तो अभी हम लोग अपनी बलेनो लेके धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी तक कोई दिख नहीं रहा है इस रोड पर हमें, पता नहीं कोई और आया भी है कि नहीं आया है। बट ये कि यहाँ के लोकल्स थोड़ा हेल्पफुल रहते हैं, आपको वॉर्न कर देते हैं, आपको रास्ता बता देते हैं बिना पूछे ही। तो छोटा लद्दाख या ब्लू वाटर की रोड ये है, मोस्टली यहाँ बाइकर्स आते हैं एक सनराइज या सनसेट देखने। गाइस हम लोग ये छोटा लद्दाख पहुँच तो गए हैं, यहाँ पे भी गाड़ी इधर पीछे लगा दी है पार्किंग में, बट ऐसा कुछ खास स्पॉट नहीं दिख रहा है, थोड़ा वॉक करके देखना पड़ेगा। राइट हैंड साइड शो कर रहा था कि इधर है
छोटा लद्दाख, कुछ ऐसी रोड है, यहाँ से भी कुछ ट्रक्स वगैरह जा रही थी। अभी तक लग रहा है कि हम ही लोग सिर्फ यहाँ पे अकेले आए हैं, कोई दिख नहीं रहा है, काफ़ी शांत एरिया है। नॉट श्योर अब छोटा लद्दाख में कोई आता भी है कि नहीं आता है, बट व्यू एक 360 डिग्री दिखाता हूँ, कुछ ऐसा है। इधर से आए हम लोग, ये रोड थी, गूगल मैप थोड़ा सा आगे ले गया था, वहाँ पे कह रहा था कि राइट हैंड साइड है छोटा लद्दाख, बट रास्ता ये लग रहा है। लेट्स सी, भी नहीं जाना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन एरिया है, ये माइनिंग कंपनी लीजिंग है और पूरा एरिया माइनिंग कंपनी है, इधर ब्लास्टिंग चलता रहता है, आप खुद ब्लास्टिंग का स्टोन्स पूरा गिरता है आपका ऊपर। अच्छा, वैसे किधर है, इधर है या इस तरफ है? सो गाइस, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया बोल रहे हैं इसको, यहाँ पे माइनिंग ब्लास्टिंग होती रहती है, इधर आने का मना किया है। लेट्स सी गाइस, ये है, थोड़ा डस्टी रोड है, किसी से पूछते हैं कि छोटा लद्दाख किधर है ना, तो माइनिंग एरिया है ये, इसके आसपास ही आपने शायद KGF मूवी देखी होगी, तो कोलार गोल्ड फील्ड्स यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो यहाँ अलाउ नहीं करते हैं, तो अभी उन्होंने कहा है कि ऊपर से आप एक व्यू लेके चले जाओ, एंड यहाँ पे आने को मना किया, इट्स नॉट एन ऑथराइज्ड एरिया, गवर्नमेंट ने मना कर रखा है यहाँ पे आने को, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इससे थोड़ा ऊपर आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एक रास्ता आता है, यहाँ पे कुछ लोग और दिख रहे हैं हमें, कुछ कार्स दिखाई दे रही हैं, और यहाँ से ऊपर से व्यू लेना अलाउड है, नीचे जाना अलाउड नहीं है। कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा था कि लोग नीचे भी जा रहे थे क्वेरी के अंदर, तो अलाउड नहीं है अभी यहाँ पे माइनिंग ब्लास्टिंग बहुत हो रही है, आई थिंक इसीलिए गांव वालों ने हमें मना किया था कि काफ़ी डेंजर एरिया है, मत जाइए। सो लेट्स सी, इधर से दो रास्ते जा रहे हैं, आई थिंक सीधा ही जाना होगा, देखते हैं। बाकी एरिया बहुत ही सीनिक है, बहुत ही सीनिक है, यहाँ से आप व्यू देखो तो बढ़िया जगह है, बट हाँ गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ इसको टूरिस्ट स्पॉट या साइट सीइंग स्पॉट ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, जो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मिले थे उनके अकॉर्डिंग, ये बस लोगों ने खुद से ही बना के रखा है, तो मना किया है। आई थिंक ये सामने क्वेरी दिख रही है, यही है व्यू पॉइंट।